नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन। आप देख रहे हैं Rdcreations&technical यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप जियो चैट में जियो KBC प्लेयर अलोंग गेम खेलते हैं तो आपको उसमें जो अगर प्राइस मिला है वो कहां पर मिला और उसे रिडीम कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे चेक हेयर टू प्ले में। और पहले हमको यहाँ पर दिखाएगा मतलब जो इस गेम में किन किन को ट्रू में जाने घूमने का चांस मिला, और उसका पीछे में और एक पेज है वहाँ पर दिखा रहा है मतलब हीरो माइस्ट्रो स्कूटी पांच लोगों ने जीते कहाँ पर रहते हैं और कहाँ। तो इसे हम लोग इतना देखते नहीं है, तो चलिए इसमें क्लिक करके हम लोग इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है मुबारक हो आप विजेता है, और नीचे में जो आपको प्राइस का मतलब एरो दिख रहा है इस जहाँ पर स्टार बना हुआ वहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जैसे दिखा रहा है मेरा जीत, यहाँ पर जो अजियो से मुझे 300 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिला है और 5GB डेटा मिला है। और उस साइड में मतलब मेरा जो पॉइंट है आपके पिछले एपिसोड के अंक, तो मेरा काल जब मैंने खेला था तो मेरा पॉइंट हुआ था 9950। तो जब हम लोग 5GB डेटा में क्लिक करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर एक ब्राउज़र में लेके जाने का ऑप्शन आता है, तो चलिए यहाँ से हम लोग चले जाते हैं ब्राउज़र में। तो हम लोग ब्राउज़र में पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर से हम लोग को दिखा रहा है अजियो डाउनलोड करने, तो मेरा फ़ोन में आगे से अजियो का ऐप है तो यहाँ पर इंस्टॉल दिखा रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो चाहे तो आप इसे डाउनलोड करके जो 300 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिला है उसे हम लोग यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे अजियो से। और मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा जो मतलब 5GB डेटा कैसे रिडीम करें। तो इस ऑफ़र के बारे में तो आपको पता ही होगा 100% कैशबैक। अगर आपको नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें वीडियो एक बनाया, चाहे तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आपने मतलब माई जियो में लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लीजिएगा। और ऊपर आपको दिखा रहा है माई वाउचर, तो हमको KBC का तरफ से वाउचर मिला है तो हम लोग वहीं पर जाएंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है 0, तो 0 इसलिए क्योंकि इस वाउचर के लिए हमने कोई पेमेंट नहीं किया। और यहाँ पर दिखा रहा 5GB डेटा ऐड टू जियो KBC प्ले अलोंग ऐसा ही कुछ है। और यहाँ पर दिखा रहा ट्रांसफ़र, मतलब आप जियो KBC गेम खेलते हैं पर आपका जियो का सिम नहीं है तो आप उसका 5GB डेटा का क्या करेंगे। तो इस ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में जाके आप किसी दूसरे जियो का नंबर पर अपना डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर ऊपर मुझे नंबर देना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देता ऐसे एक रैंडम नंबर डाल के। तो मैं जस्ट फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा रहा है इसलिए मैं ऐसे ही कुछ एक नंबर डाल देता है। उसके बाद यहाँ पर जब ट्रांसफ़र का ऑप्शन देख रहे इसमें क्लिक करने से मेरा जो मैं यहाँ पर जियो का नंबर देगा उसमें मेरा जो है 5GB डेटा चला जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दिखा रहा है योर नंबर इज़ इनकरेक्ट ऐसा ही है। उसके बाद अगर मेरा खुद का जियो का सिम है मैं इसमें खेलता हूँ तो उसका रिडीम कैसे करें, तो सिंपली यहाँ पर रिडीम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मतलब मैं अपना खुद का नंबर पर रिडीम करेगा या किसी और का नंबर पर इसको मैं रिडीम करना चाहता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है, चाहे तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो 5GB डेटा है नीचे लिखा हुआ है रिडीम, तो इसमें क्लिक करने के साथ साथ ही मेरा जियो का नंबर पर मैसेज आ जाएगा मुझे मतलब 5GB डेटा मिल गया। पर मैं इसे अभी रिडीम करने वाला नहीं है क्योंकि मेरा अभी जियो का प्लान मेरा ख़त्म हो गया है। और याद रखिएगा जब भी आप इसे रिडीम करें आपका फ़ोन में कोई जियो का बेसिक प्लान होना ज़रूरी है, जैसे 149, 309, 399, क्योंकि अगर हमारा फ़ोन में कोई प्लान नहीं है तो ये ऑफ़र मेरा मतलब ये 5GB जो डेटा है मेरा वेस्ट चला जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अजियो से हम लोग इसे 300 का जो गिफ्ट वाउचर है हम लोग कैसे यूज़ करें। तो इससे मैंने अजियो तो आगे इंस्टॉल कर चुका था, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अजियो को ऑन करके। तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे 1000 रुपया का ऊपर, क्योंकि जो हम लोग को 300 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिला है वो किसी 1000 रुपीज़ का ऊपर का प्रोडक्ट में यूज़ होगा, मतलब 1999 इसका ऊपर का इसका दाम का या इसका ऊपर का प्रोडक्ट लेने से वो इसमें यूज़ होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इस शूज़ को सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर एड टू बैग में,
और यहाँ से अगर आपका आजियो का अकाउंट है तो आपको लॉग इन कर मतलब सॉरी साइन इन करना है, नहीं तो आप यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पर आपका मतलब एड्रेस वड्रेस दे के उसके बाद आपका नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद आपका नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आप कर दीजिएगा। मैं आगे से इसमें साइन इन करके रखा है तो मैं अभी इसे लॉग इन कर लेता है। ओटीपी आप डाल दीजिएगा, ओटीपी डालने के बाद आप वहाँ पर गिफ्ट वाउचर के ऑप्शन आ जाता है सामने, वहाँ से आप इसे रिडीम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब।